अच्छा जी, जी बच्चों आप लोगों को आवाज आ रही है ना? यस मैम, अच्छा, यस मैम, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस या साइंटिफिक एविडेंस बिहाइंड द मैकेनिज्म ऑफ हाउ हाई कार्बोहाइड्रेट इज लीडिंग टू ओबेसिटी। सो द रिसर्च हैज फाउंड सर्टेन ओबेसिटी ससेप्टेबल जीन्स। ओबेसिटी ससेप्टेबल जीन्स मीन्स वो जीन्स जिनकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है या बॉडी में अगर वो जीन्स एक्सप्रेस होंगे दे विल लीड टू ओबेसिटी। नाउ ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू दी ओबेसिटी। तीन अगर हम जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें, हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट जेनेटिक फैक्टर्स हैं। वी हैव इंक्रीज मैसेंजर आर एन ए लेवल्स फॉर द ऑक्सीजेनिक न्यूरोपेप्टाइड्स इंक्लूडिंग एन पी वाई एंड अगूटी रिलेटेड पेप्टाइड ए जी आर पी। बच्चे ये नोट डाउन कर लें। अगर मैं बात करूं जेनेटिक फैक्टर्स की या जेनेटिक एविडेंस की विच आर रिलेटेड विद ओबेसिटी, उसमें तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर किसी भी इंडिविजुअल में ओबेसिटी होती है उसके जीन लेवल के ऊपर ये तीन डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। एक है कि उसका इंक्रीज एक्सप्रेशन होगा ऑक्सीजेनिक न्यूरोपेप्टाइड्स का, जिसमें एन पी वाई और ए जी आर पी अगूटी रिलेटेड पेप्टाइड का रोल है। Then there is a chance of mutation of leptin receptor, and third is the insulin resistance. So these are the three important genetic factors which are associated with obesity. अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज अगूटी रिलेटेड पेप्टाइड? अगूटी रिलेटेड पेप्टाइड जो है, इट प्लेज अ रोल इन द वेट मैनेजमेंट एंड इट स्टिमुलेट्स द एपेटाइट एंड डिक्रीजेस द एनर्जी एक्सपेंडिचर। आप लोगों को पता है कि अगर हम वेट गेन या वेट चेंज की बात करें, हम हमेशा इनपुट और आउटपुट उसका बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। इनपुट क्या है? जो कि आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, डाइट को कंज्यूम कर रहे हो। आउटपुट क्या है? जो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, या जो आप वर्कआउट कर रहे हो, या जो भी कोई एक्टिविटी कर रहे हो, जो वो रिलीज हो रहा है वो बैलेंस में होना चाहिए। जब तक वो बैलेंस में होगा तब तक आपका वेट मैनेज होगा। लेकिन अगर इसका बैलेंस जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, फॉर एग्जाम्पल अगर एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाए और आपका एपिटाइट जो है वो ज्यादा हो जाए। एपिटाइट मीन्स आपको ज्यादा एक्सेसिव भूख लगना, ठीक है। भूख अगर आपको ज्यादा लगना शुरू हो जाएगी, आपका इनटेक फूड इनटेक ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी एक्सपेंडिचर उसमें कम हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है। जो ये अगूठी रिलेटेड पेप्टाइड है, ये एक न्यूरोपेप्टाइड है जो कि बॉडी के अंदर रोल प्ले करता है जीन लेवल के ऊपर, और उसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है। सो अगूटी रिलेटेड पेप्टाइड इज क्रिटिकल फॉर इनिशिएटिंग द फूड इनटेक। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ अगूटी रिलेटेड पेप्टाइड? अगर आपकी बॉडी में अगूटी रिलेटेड पेप्टाइड रिलीज होगा तो क्या चेंजेस आएंगे? वेट गेन होगा, और वेट गेन की वजह से ओबेसिटी होगी। ये एक स्पेसिफिक रोल है कि कैसे अगूटी रिलेटेड पेप्टाइड जो है ओबेसिटी कॉज कर रहा है। ऑन द अदर हैंड एन पी वाई विच इज न्यूरोपेप्टाइड वाई, ये जो है ये कैसे रिलेटेड है? अच्छा जी, हाई शुगर डाइट अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, हाई शुगर डाइट में हमारे पास आ जाती है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ठीक है, क्योंकि शुगर के सोर्सेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है।
तो अगर हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट कंज्यूम करेंगे, हमारी बॉडी जो है वो एनपीवाई को रिलीज करेगी. एनपीवाई जब रिलीज होगा, इट विल इंक्रीज द एपेटाइट फॉर फूड एंड इट विल स्टिमुलेट द फूड इनटेक बिहेवियर विद इंक्रीज्ड कार्बोहाइड्रेट सिलेक्शन. स्पेसिफिकली आपकी फूड चॉइसेस में कार्बोहाइड्रेट की प्रेफरेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एनपीवाई के रिलीज होने की वजह से. और यहाँ पे नीचे मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, लेप्टिन हैज अ ऑपोजिट एक्शन. अच्छा, लेप्टिन का रोल क्या है बॉडी में, किसी को पता है? व्हाट इज द रोल ऑफ लेप्टिन? अच्छा, लेप्टिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है. जब आप फूड कंज्यूम करते हैं, आपका ब्रेन विद इन 20 to 25 minutes लेप्टिन हार्मोन को रिलीज करता है और वो आपको आपकी सेटाइटी को प्रमोट करता है, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है. ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर लेप्टिन रिसेप्टर की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, अगेन ये एक जेनेटिक एविडेंस है जिसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है. लेप्टिन रिसेप्टर की डेफिशिएंसी मींस के वो रिसेप्टर जहाँ पे जाके लेप्टिन एक्ट करता है, लेप्टिन एक हार्मोन है, तो अगर वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, लेप्टिन प्रॉपरली बॉडी में फंक्शन ना करे, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस ना आए, फीलिंग ऑफ सेटाइटी ना आए, तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है. लेप्टिन रिसेप्टर डेफिशिएंसी इज अ कंडीशन विच कॉजेज सिवियर ओबेसिटी बिगनिंग इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ. ठीक है, अगेन ये एक इनबॉर्न एरर है जिसमें लेप्टिन रिसेप्टर की डेफिशिएंसी हो सकती है और उसकी वजह से सिवियर ओबेसिटी हो सकती है. इट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल ऑफ नॉर्मल वेट एट बर्थ बट दे आर कॉन्स्टेंटली हंग्री एंड दे क्विकली गेन वेट. सो एट बर्थ जो हैं वो पेशेंट्स जिनकी लेप्टिन रिसेप्टर डिफिशियंसी होती है, एट बर्थ उनका नॉर्मल वेट होता है, लेकिन विद टाइम क्योंकि उनको फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं मिल रही होती, वो एक्सेसिवली हंग्री होते हैं और उनका इनटेक ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से वेट गेन होता है. एंड दिस एक्सट्रीम हंगर लीड्स टू द क्रॉनिक एक्सेसिव ईटिंग, हाइपरफेजिया एंड ओबेसिटी. हाइपरफेजिया क्या है? एक्सेसिव ईटिंग, एक्सेसिव ईटिंग बिहेवियर को हम हाइपरफेजिया कहते हैं. और ये वो कंडीशन है जो कि डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ द लेप्टिन रिसेप्टर डेफिशिएंसी, क्योंकि बॉडी के अंदर लेप्टिन का रोल ये है कि वो फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है. ये जो भी मैंने आपके साथ एविडेंसेस शेयर किए हैं वो बेस थे एक रिसर्च के ऊपर, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, जो कि माउस के ऊपर हुई हुई थी. ठीक है, रैट्स के ऊपर हुई हुई है ये. और यहाँ पे इन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ, आप देख सकते हैं कि अगर लेप्टिन रिसेप्टर और इंसुलिन रिसेप्टर जो है वो नॉर्मली फंक्शन करेगा, अगर वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा तो क्या होगा कि अगूटी रिलेटेड पेप्टाइड और एनपीवाई ये भी रिलीज हो रहे हैं. ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करेंगे फूड इनटेक को और हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है. ऑन द अदर हैंड, अगर हम इन दोनों को इनहिबिट कर दें, इंसुलिन रिसेप्टर को, हम इंसुलिन रिसेप्टर को इनहिबिट करें और लेप्टिन को, लेप्टिन रिसेप्टर जो है वो काम कर रहा है और एनपीवाई और अगूटी रिलेटेड पेप्टाइड्स भी आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वजह से जो है फूड इनटेक प्रोहिबिट हो जाएगा. ये डैश जो है वो बेसिकली इनहिबिशन को इंडिकेट कर रहा है. और इसी तरह आपका ग्लूकोज प्रोडक्शन जो है वो भी नॉर्मल रेंजेस में होगी और उसकी वजह से नॉर्मल वेट होगा. ये सिर्फ एक समरी है उन रिजल्ट्स की, या आपके रिजल्ट्स को सपोर्ट करने के लिए ये मैंने ऐड की हुई है. अगर आप लोगों को ये डिटेल जो है वो समझ आ जाती है कि कैसे जो है हमारे जीन्स या एविडेंसेस क्या हैं विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ओबेसिटी, तो आपको ये डायग्राम भी समझ आ जाएगी. ठीक है, अब हम बात करेंगे जीन एक्सप्रेशन बाय द डाइट्री फैट. फैट जो है वो जीन एक्सप्रेशन को कैसे अफेक्ट करेगा? डाइट्री फैट हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन जीन एक्सप्रेशन लीडिंग टू द चेंजेस इन द मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन. द इफेक्ट्स ऑफ डाइट्री फैट ऑन जीन एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट एन अडैप्टिव रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ फैट इंजेस्टेड. अच्छा जी बच्चों, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइन है.
ठीक है, फैट जो है वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा, इस बात का एविडेंस हमारे पास है. लेकिन टाइप ऑफ फैट एंड द क्वांटिटी ऑफ फैट विच यू आर कंज्यूमिंग वो हाईली डिपेंडेंट है कि वो कैसे आगे जाके आपके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा. तो टाइप ऑफ फैट्स कौन कौन से हैं? सैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट. पॉली अनसैचुरेटेड क्लासिफिकेशन याद है? ट्रांजिशन फैट्स. यस मैम. बताए ना फैट्स को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं? मैम फॉस्फोलिपिड्स मैम नंबर ऑफ फैटी एसिड्स उसके साथ जो बच्चों फैट्स जो हैं मैम दो टाइप्स के होते हैं. ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. ठीक है, और अनसैचुरेटेड को हम फर्दर मोनो और पोली में क्लासिफाई करते हैं. पहले मोनो लिख लेते हैं और पोली. ठीक है, इन सब की फूड सोर्सेस डिफरेंट है. सैचुरेटेड फैट्स की फूड सोर्सेस क्या होंगी? एनिमल सोर्सेस. फैट की सैचुरेटेड फैट की डेरी प्रोडक्ट्स से या बटर वगैरह से. बटर किसने बोला ये? बच्चों जितने भी हमारे फ्राइड फूड या प्रोसेस्ड फूड हैं वो सब सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स में आते हैं. ठीक है, और अगर हम मोनो और पोली की बात करें अगेन, इसमें हमारे पास जो है वो पोली में हमारे पास ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की सोर्सेज आ जाती हैं. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वेजिटेबल डिफरेंट वेजिटेबल ऑयल्स आ जाते हैं. ये सारे प्योर सोर्सेज हैं फैट्स के. अब जब फैट्स की मैं बात कर रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी सोर्सेज क्या हैं. ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को आना चाहिए. तो जो हमारा जीन एक्सप्रेशन है वो डिपेंडेंट होगा टाइप ऑफ फैट जो कि इंजेस्ट हो रहा है और क्वांटिटी ऑफ फैट पे. ठीक है, अब इसमें स्पेसिफिकली इन्होंने एक रिसर्च हुई हुई है और इसमें स्पेसिफिकली इन्होंने पूफास को डिस्कस किया है. पूफास क्या है? पोली, दे आर द शॉर्ट फॉर्म फॉर द पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है वो आ जाता है. इसके एग्जांपल्स क्या हैं? पूफास के एग्जांपल्स क्या होंगी? सोर्सेज ऑफ पूफास ओमेगा 3 एंड ओमेगा 3 एंड 6. मैम यस. सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज क्या हैं? फिश. फिश, वेरी गुड. ठीक है, फिश है, फिश ऑयल्स हैं, नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाती हैं, ये सारे गुड फैट्स हैं. और इनके ये पूफास के पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के सोर्सेज हैं. अगर हम देखें कि जीन लेवल के ऊपर पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे काम करते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लें. जैसे कार्बोहाइड्रेट ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर चेंजेस लेके आता है, इसी तरह फैट्स भी जो हैं, पूफास जो हैं, वो भी ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे चेंजेस लेके आते हैं. और इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इट इंक्लूड्स पीपीएआर अल्फा विच इज द फुल फॉर्म क्या है पीपीएआर अल्फा की? पेरोक्सीसोम प्रोलीफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर. ठीक है, फुल फॉर्म अगर नहीं भी याद होती, कम से कम अगर आप शॉर्ट फॉर्म याद कर लें तो यही बहुत है, लेकिन आप लोगों को आनी चाहिए, फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए. और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है? SREBP1 विच इज टी रोल रेगुलेटरी एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन.
जीन लेवल के ऊपर ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस लेके आते हैं. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस मीन्स जहाँ पे डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में कन्वर्ट हो रही है उस लेवल के ऊपर चेंजेस आते हैं, उस लेवल के ऊपर ये जीन के एक्सप्रेशन को इफेक्ट करते हैं. और फिर बॉडी के अंदर अगर हम देखें कि क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इट रिड्यूसेस दी वीएलडीएल व्हिच इज वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स. ठीक है, पूफास जो कि पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जीन लेवल के ऊपर दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, एक PPAR अल्फा है दूसरा SREBP1 है. ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं फर्दर जीन्स के एक्सप्रेशन को इफेक्ट करते हैं और इससे बॉडी में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है कि ये रिड्यूस करेगा VLDL को और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को. ठीक है, लिख लिया इसको. yes, आगे आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ इस पूरे मैकेनिज्म को कि YSREBPN, PPAR अल्फा जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये कैसे क्यों इन्वॉल्व क्यों इम्पोर्टेंट हैं. आप देख सकते हैं पूफर्स जो हैं वो PPAR अल्फा को एक्टिवेट करते हैं. PPAR ये प्लस का साइन जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है कि वो इसको एक्टिवेट कर रहा है. जब ये एक्टिवेट होंगे तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जीन्स हैं वो एक्सप्रेस होंगे. ठीक है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जीन्स एक्सप्रेस होंगे जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन होगी, पेरोक्सीसोम ऑक्सीडेशन होगी और VLDL ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होगा. और ऑन द अदर हैंड पूफास जो है वो SREBP विच स्टीरोल रिसेप्टर एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, ये अगेन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसको इनहिबिट करते हैं, ये माइनस का साइन है. और ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं एक्सप्रेशन ऑफ लिपोजेनिक जीन्स. ठीक है, लिपोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स. वेरी गुड. ठीक है, लिपिड फॉर्मेशन. तो SREBP जो है वो लिपोजेनिक जीन्स यानी जो जीन्स जो के लिपोजेनेसिस करवाते हैं उनको इनहिबिट करेगा और उसकी वजह से फैटी एसिड सिंथेसिस नहीं होगा और ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस नहीं होगा. तो ये एक्चुअल मैकेनिज्म है कि कैसे फैट्स जो हैं और फैट्स में स्पेसिफिकली पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं और बॉडी में ओवरऑल क्या चेंज आ रहा है. बॉडी में ओवरऑल VLDL और ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो रहे हैं. कैसे कम हो रहे हैं? बाय एक्सप्रेसिंग दी PPAR अल्फा एंड इनहिबिटिंग दी SREBP. ठीक है, ये अगेन आप लोगों के रिवीजन के लिए मैंने ये ऐड की हुई स्लाइड के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल के ऊपर काम करते हैं. और ये जो फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में कन्वर्ट हो रही है इस लेवल के ऊपर ये लोग ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं फैट की रेगुलेशन में वो है FABP. ठीक है, फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, ये लिख लें. अभी तक मैंने आप लोगों को दो बातें बताई हैं फैट में. एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी दो टाइप के हैं, PPAR अल्फा SREBP. फिर इसके बाद अब मैं बात कर रही हूँ फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन्स की. फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं जिसपे फैटी एसिड जो है वो जाके बाइंड करता है और फिर ये बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट रोल प्ले करते हैं. और फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन जो है दे आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एडिपोसाइट में ये फैटी एसिड रिलीज को प्रमोट करते हैं. तो आप देख सकते हैं कि फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो हैं वो ओबेसिटी कॉज कर रहे हैं. ठीक है, ग्लूकोज टॉलरेंस, एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस को प्रमोट कर रहे हैं और हार्ट प्रॉब्लम यानी कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस उसको भी प्रमोट कर रहे हैं. ठीक है, तो अगेन जो टाइप ऑफ आपका फैट है एंड क्वांटिटी ऑफ फैट जो है वो डिपेंडेंट होता है फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन के रिलीज पे. और जैसे जैसे ये रिलीज होगा उसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. अगर हम फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन को ब्लॉक कर दें,
ठीक है, हमारे पास रिसर्च से ये बात प्रूव हो गई है कि फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो डिफरेंट डिजीजेस के साथ इन्वॉल्व है, रिलेटेड है. हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके उस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी में FABP विच इज फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन को ब्लॉक कर दें तो हम हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, ओबेसिटी, अस्थमा एंड फैटी लिवर डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं. Now the effect of protein on gene. प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन भी जो है the function of protein in the body is not only at the macro level but it also functions at the gene level. Nutrigenomics mein ye line bahut important hai ki aapko pata hona chahiye ki kaun sa nutrient jo hai wo gene level ke upar kaam karta hai. Theek hai, protein jo hai wo gene level ke upar kaam karta hai. Ye maine pichle lecture mein aapko clear kar diya tha, wo explain karke proteomics mein ki gene jo hai wo express karta hai in the form of proteins. Theek hai, to proteins ka direct effect hai aur ek bahut important role hai gene expression ko control karne mein. Aur just like fats, protein ki quantity aur quality, ठीक है, बोथ ऑफ देम दे इन्फ्लुएंसेस द जीन एक्सप्रेशन. अब इसको डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे ये ऑल्टर करेगा जीन एक्सप्रेशन को. लो प्रोटीन डाइट ऑल्टर्स द मेनी जीन एक्सप्रेशन व्हिच आर रिलेटेड टू द इंसुलिन बायोसिंथेसिस सिक्रीशन एंड इंसुलिन सिक्रीशन वॉज रिड्यूस्ड विद लो प्रोटीन डाइट. अब अगर आपकी डाइट में प्रोटीन का कंटेंट जो है वो कम होगा, लो प्रोटीन होगी, तो वो जीन उन सेट ऑफ जीन्स को इफेक्ट कर रही है जो कि इंसुलिन सिक्रीशन या इंसुलिन बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं. ठीक है, और लो प्रोटीन डाइट जो है वो इंसुलिन की सिक्रीशन को कम कर रही है, लो कर रही है. तो ये एक जीन एक्सप्रेशन के ऊपर इसका रोल है. इसके अलावा जो अमाइनो एसिड्स हैं वो भी रेगुलेट कर रहे हैं प्रोटीन की ट्रांसलेशन को. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिफरेंट एंजाइम्स में ट्रांसलेट होते हैं जीन्स, तो अगेन डायरेक्टली जो है अमाइनो एसिड वो डिपेंडेंट हैं. इसलिए क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जो है वो डिटरमिन करेगी आपके टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स को. ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो फिर जो जिस टाइप के आप प्रोटीन को कंज्यूम करोगे, जिस टाइप के अमाइनो एसिड्स को कंज्यूम करोगे, वो फिर फर्दर उसके अकॉर्डिंग बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आएंगे. मैम फिर जो डायबिटीज के पेशेंट होंगे उन्हें फिर हम हाई प्रोटीन डाइट देंगे? अच्छा, कि नहीं बच्चों, डायबिटीज के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, तो उनका जो डाइट ऑर्डर होता है उसमें हम उनको लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो प्रोटीन डाइट दे रहे हैं, क्योंकि और इसके साथ मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट दे रहे होते हैं. ठीक है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट जाता है. इस जो ये आप लोगों ने अभी देखा है रिलेशनशिप बिटवीन लो प्रोटीन डाइट और इंसुलिन सिक्रीशन, इसमें हम इसको डायरेक्टली डायबिटीज के साथ रिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज में और भी ज्यादा मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. ये सारी चीजें आप लोग डिटेल में आगे जाके कवर करेंगे कि कैसे जो है वो प्रोटीन इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, फिलहाल मैंने आप लोगों को इतना बताया है कि जो लो प्रोटीन डाइट है उससे जो इंसुलिन सिक्रीशन वाले जीन्स हैं वो इफेक्ट होते हैं और वो कम होते हैं. ठीक है, डायबिटीज में आप क्या रिकमेंड करोगे या डायबिटीज में क्या चेंजेस आते हैं जीन लेवल के ऊपर, वो हम जब डिटेल में कवर करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसको क्या डाइट देनी है. सही है? ओके मैम. लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि हम इंसुलिन को हमेशा ग्लूकोज के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन जीन लेवल के ऊपर प्रोटीन जो है वो इंसुलिन सिक्रीशन के साथ एसोसिएटेड है. इंसुलिन सिक्रीशन के साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं जो कि आप आगे जाके कवर करेंगे. अब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं और उसमें स्पेसिफिकली विटामिंस की बात करते हैं. विटामिंस जो है इसमें हमने कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स को डिस्कस किया है. मैं अभी आप लोगों को ना सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे प्रोटीन जो है वो रेगुलेट करते हैं. ये सारे विटामिन ए सी ई जितने भी मैंने मेंशन किए हैं, ये आप डिटेल में इनके ऊपर पूरे पूरे लेक्चर्स हैं, ये आप डिटेल में आगे जाके कवर करेंगे.
ठीक है, विटामिन की अगर एक एग्जांपल दूं कि विटामिन कैसे, विटामिन कहने के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को, लेकिन अगर आप वो कंज्यूम कर रहे हो वो जीन लेवल पे जाके चेंजेस लेके आता है। और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स जो हैं वो रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ कैंसर को। इसके अलावा जो विटामिन्स हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं ट्यूमर प्रोग्रेशन को, ट्यूमर फॉर्मेशन को। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जब भी आप विटामिन को, फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स कंज्यूम कर रहे हो, फ्रूट्स जो हैं वो रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। सिंपल आपने एक जो है वो ऑरेंज कंज्यूम किया है, अब उसको कंज्यूम करने की वजह से आपकी बॉडी के जीन लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं ये आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन न्यूट्रोजेनोमिक्स के अकॉर्डिंग जो हम जनरलाइज करते हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट है वो रिलेटेड हैं दो मैकेनिज्म्स, वो जीन्स को दो तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। एक तो वो कैंसर के प्रोग्रेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, और कैंसर स्पेसिफिकली जो ट्यूमर की फॉर्मेशन है ना उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस आप डिटेल में इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसके अलावा बायोटिन इज इन्वॉल्व इन वेरियस एसेंशियल प्रोटीन्स सिंथेसिस एट जीन लेवल। ठीक है, बायोटिन की एग्जांपल दी हुई है कि ये जो है जीन लेवल के ऊपर एंजाइम फॉर्मेशन या एंजाइम सिंथेसिस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। विटामिन सी जो है ये इन्वॉल्व है हेपेटिक जीन एक्सप्रेशन में। हेपेटिक मीन्स लिवर 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 सेल्स में जो जीन्स हैं उनके एक्सप्रेशन को विटामिन सी रेगुलेट करता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको जैसे मैं आपसे पूछूंगी विटामिन सी जो है वो जीन एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट कर रहा है, तो आपका सबसे पहला जो आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि विटामिन सी जो है वो लिवर सेल्स हेपेटिक जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, बाकी आगे का जो भी मैकेनिज्म है कि कैसे करता है, कौन से डिजीज को प्रिवेंट करता है, वो सारा आप डिटेल में लेक्चर में कवर करेंगे आगे जाके। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। और आज के लेक्चर से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि न्यूट्रोजेनोमिक्स जो है उसमें आप किस तरह से न्यूट्रिएंट और जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करेंगे, उसके इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे, और किस तरह से आपने अपने आगे के कोर्स को या इस कोर्स को कवर करना है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि न्यूट्रोजेनोमिक्स में नोट्स बनाने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिलेटेड हैं। जैसे कि ये ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को क्लियर किया था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है या ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस का मीनिंग क्या है। यहाँ पे जो ये मैंने ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस का वर्ड यूज किया था, मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है कि इस कोर्स को आपने किस तरह से कवर करना है। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या स्लाइड नंबर 8 एक मिनट शो कर दें। कौन सी 8 मैम? कार्बोहाइड्रेट वाली? नहीं मैम, एजीटी वाली, एक मेटाबॉलिक डिजीज और एजीटी वाली। ये रहा, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया एक्टिवेटेड द एजीटी जीन एक्सप्रेशन। ये फिर एक एग्जांपल है कि कैसे एक न्यूट्रिएंट जो है वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। इसमें हम स्टडी कर रहे हैं हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट को एक्टिवेट करेगी। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स जो है वो एक्सेसिव हैं, मोर देन नॉर्मल रेंज है। अगर हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट हो बॉडी के अंदर, उसकी वजह से एजीटी जीन एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेस होता है, एक्टिवेट हो जाता है लिवर के अंदर। और एजीटी जीन जो है वो एक प्रोटीन, जीन्स जो है वो हमेशा एक्सप्रेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, और एजीटी जीन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन की प्रोडक्शन और मेकिंग को प्रमोट करता है। तो जब एंजियोटेंसिनोजन आपकी बॉडी में
रिलीज होगा तो वो आपके ब्लड प्रेशर और फ्लूइड बैलेंस और सॉल्ट्स को मेंटेन करेगा. ये एक एग्जांपल है कि हमें पता है कि हमारी बॉडी के एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो हो रहा है एट ए टाइम, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, एक डाइट, एक न्यूट्रिएंट कंज्यूम करने से आपके जीन्स चेंज हो रहे हैं और आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग जो है, फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, वो इफेक्ट हो रही है. यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट में जो है आपकी बॉडी जो है इन रिस्पॉन्स टू हाइपरग्लाइसीमिया एंजियोटेंसिन और जिन को रिलीज करती है. ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं कि बॉडी का पॉजिटिव स्टिमुलस है, पॉजिटिव इफेक्ट है टुवर्ड्स दी नेगेटिव स्टिमुलस जो कि एक हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट है. उसमें मतलब बॉडी की पूरी कोशिश होती है कि वो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करे, रेगुलेट करे. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो AGT जीन एक्सप्रेशन के साथ भी रिलेटेड है और AGT जीन एक्सप्रेशन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन की प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है. एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है और फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन कर रहा है. ठीक है मैम, इसके लिए हमें बुक भी बता दें कि हमने किस बुक से पढ़ना है. जो इसकी जो बुक है वो एक मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर के लास्ट स्लाइड में मेंशन की हुई है, आप उसको देख सकते हैं. बाकी LMS के ऊपर जितने भी रीडिंग मटेरियल होंगे वो साथ साथ अपलोड हो जाएंगे. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो गया मैम. मैंने आप लोगों को ईमेल किया था. एक्सक्यूज मी मैम, मैम इस बुक का PDF मिल सकता है हमें? हाँ जी, मैंने आपको कहा है ना कि उसका मैं LMS पे शेयर कर दूंगी. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच. चलें बच्चों सेशन को एंड करते हैं. मैम हमारी अटेंडेंस कैसे होती है? अटेंडेंस हो जाएगी, मेरे पास रिकॉर्ड होता है.